सेवानिवृत्त सैनिकों ने सीएसडी कंटीन की झंडूता के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए विधायक जीतराम कटवाल का झंडूता के ठाकुर द्वारा में सम्मान समारोह किया गया। विधायक ने सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से झंडूता में सीएसडी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि झंडूता में सीएसडी कैंटीन खुलने से विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2800 सैनिकों तथा उनके परिजनों को फायदा मिलेगा। इससे विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों तथा कोटधार की पिछड़ी पंचायतों के सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिजनों को फायदा पहुंचेगा। कैंटीन के खुल जाने से सैनिकों के धन तथा समय की बचत होगी। उन्हें एक छत के नीचे कैंटीन की सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने बताया कि उनका एक ध्येय है कि लोगों को उपमंडल स्तर पर सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। आज वो बन रहा है, जोरों से काम चला हुआ है। अभी नट निगराओं का जो पुल है, जिसको बोलते थे तो हो ही नहीं सकता, ये ठगने वाली बात है। आप देख रहे हैं हिमाचल का सबसे लंबा पुल आपके इस चुनाव क्षेत्र में बन रहा है। बागछाल का पुल 330 मीटर और ये 380 मीटर का पुल बन रहा है। लगी ना आजकल काम, आपको पता है सारों को देखा ना किस दिन तू अरोड़ है, कोई जेसीबी आ गई, कोई बड़ बड़ी पोकलेन आ गई, कोई मशीनें आ गई। 380 मीटर लंबा पुल, हिमाचल का सबसे लंबा पुल आपके चुनाव क्षेत्र में, और यहाँ से ये कोई 10 साल की नहीं मैं बात बोलता, इसी कार्यकाल की बात है। ये पुल जो है 2022 अप्रैल में पूरा हो जाएगा। गांव प्राउड से अपने विधायक कटवाल जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज इस कंटीन का मुद्दा जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो हमारे फौजी भाइयों को जो परेशानी होती थी, कभी घमारवी जाना ये निश्चय नहीं होता था कि पहुंच भी पाएंगे या सामान भी मिलेगा, ये इतनी कठिनाइयों को देखते हुए आज हमारे विधायक श्री जीतराम कटवाल जी ने जो कंटीन का जो शिलान्यास किया, इसके लिए हम और सब फौजी भाई सबका इनका धन्यवाद करते हैं।